हमारे साथ चुनाव आयोग अच्छा ब्रह्मा हैं। चुनाव लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा हुई है, बहुत लंबा समय दिया गया है, 9 फेज में चुनाव हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली दो इशू था, ताकि हम चाहते कि नो इलेक्शन नो स्टेट कहीं भी हो, जहां पे हम इलेक्शन करना करेंगे वहां पे कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे कोई तकलीफ ना हो। हम चाहते कि हर जगह में पब्लिक आराम से आके आराम से वोट दे सकते, कहीं एरिया में ना कोई किसी को तकलीफ हो या किसी को कोई डिफिकल्टी हो। तो हम चाहते हैं कि एब्सोल्युटली वी वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन एब्सोल्युटली फेयर मैनर, हम किसी को ना तकलीफ हो, इसलिए हमने थोड़ा इजाफा किया। दो हमारा फोर्स ज़्यादा भी है, हम चाहते कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में पीपल कैन कम विदाउट एनी प्रॉब्लम। नहीं तो क्या होता है, सर्टेन एरिया में बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ सर्टेन कैटेगोरी ऑफ पीपल, सर्टेन कैटेगोरी ऑफ इंडिविजुअल्स, वहाँ पे कोई कभी कभी फ्री एंड फेयर भी नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि एवरी फेज ऑफ इलेक्शन, जैसे हमने 9 फेज पोलिंग डे में लगाया ना, तो देर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस एनी बॉडी, इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ाया। लेकिन ये पहला मौका है जब इतने लंबे फेज में चुनाव हो रहे हैं, कौन से खास फैक्टर थे जिनको ध्यान में रखा गया, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, खासतौर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, गर्मियों के जो इलाके हैं? बेसिकली उसमें हाँ वो तो सही है, स्कूल का भी एग्ज़ाम है हमारा, क्यों मार्च मान लीजिए अप्रैल मई में काफ़ी एग्ज़ाम होता है, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम होता है और काफ़ी ऑल इंडिया सर्विस का भी एग्ज़ाम होता है, उसको देखते हुए हम रखें कि उसको थोड़ा बढ़ाए ताकि किसी को बीच में ना तकलीफ हो जाए। एक सवाल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया है, सरकार की कई योजनाएं थी जिसको लागू करना चाहती थी, आज भी तमाम योजनाओं को आनन फानन में लागू किया जा रहा है, राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर, कैसे नजर रखी जाएगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, खासतौर से सरकार की जो बड़ी घोषणाएं होंगी? नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस है कि हम एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वी डोंट इंटरफेयर विद द लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एक्टिविटी, जो जिसका ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबल वो करना चाहिए। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि देयर बी सर्टेन स्कीम विल बी अनाउंस्ड, सर्टेन प्रपोजल विल कम, उसको हम एक ही चाहते हैं कि वन एवर एनी सच न्यू स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और सब न्यू प्रपोजल सबमिटेड, वो हम उसको अपील करते कि वो हमारे पास भेजे। दे नॉर्मली गवर्नमेंट ऑलवेज सेंड सच प्रपोजल टू अस फॉर क्लियर, वो हमारे पास आएगा हम क्लियर देंगे उसको, क्लियर देंगे। आपने अपील की कि जो बयानबाजी होती है नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं करनी चाहिए, उस पर कैसे नजर रखी जाएगी? जो उसी तो हमारे पास तो रिपोर्ट आते रहते, कंप्लेन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी को गाली दिया तो मेरा जो अपोजिट आदमी होगा तो मेरे खिलाफ बताएगा, कंप्लेन देगा। हम चाहते कि नंबर वन एज ए ग्रोन एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एज ए रेस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ एनी पार्टी और एनी कैंडिडेट, दे शुड बी एबल टू अबेड सम सॉर्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, हर आदमी को डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे बताए मैं किसी को गाली दिया तो आई शुड नॉट बिहेव इन सच ए मैनर विच विल बी नॉट गुड फॉर द जेंटलमैनली कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, वो हम जाते हैं। ब्रह्मा का कहना है कि खासतौर से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर कोई सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई नई योजना इस दौरान लागू करने की बात करेगी, कोई ऐसी काम किया जाएगा उस पर चुनाव आयोग नजर रखेगा, और उसकी जानकारी चुनाव आयोग को पहले राज्य सरकार को देनी होगी। कैमरा भान प्रकाश के साथ मंजित नेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली।